Author of multiple books, he has traveled around the world, visiting almost 30, 40 nations, giving speeches in many countries. सदर यहां का जो है, जब ये पाकिस्तान गया था तो 80 बंदे सिर्फ सिक्योरिटी के थे,
वो जाते सार ही जहां सदर बैठता है अमेरिका का वो पूरी कम्युनिकेशन को ब्लॉक करके रख देते हैं, उतने एरिया में इन्हीं का अमल दखल होता है, किसी और का अमल दखल भी नहीं होता। जब हमारे पाकिस्तान में गया था पूरा मोटरवे बंद था, कोई आदमी जा नहीं सकता था। मोटरवे कितना लंबा है, 4.5 घंटे तक हम चलते हैं उसके ऊपर, मोटरवे ब्लॉक। और लिखने वाले कौन है साहब? ये भी जो नवाज शरीफ है, अब तो खैर बंद हो गया, पहले जब ये कभी दौरे पे जाता था तो साहब तकरीबन गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर 10-10, 20-20 सहाफी साहब होते थे। वो लिखते थे कि सदर जा रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, जिस मुल्क का भी वजीर आलम या सदर जाता है वो जहां जाएगा सहाफी, इंपोर्टेंट सहाफी, जो बड़े सहाफी हैं उसके साथ होते हैं। वो नकल करते हैं, बताते हैं ये फलां जगह उतरे, फलां जगह पहुंचे, फलां जगह बात की, ये बात की। लेकिन आप सफर कर रहे हो, आपका वजीर सफर कर रहा हो, आपका सदर सफर कर रहा हो, प्रेसिडेंट आपका सफर कर रहा हो, तो सहाफी बयान करते हैं ये फलां जगह पे गया, फलां आदमी से मिला, हमारे नबी का मकाम देखो, सफर मोहम्मद मुस्तफा कर रहे हैं और लिख रहा है सुभान अल्लाह और रब बयान कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि सहाफी ने पैसे लिए हो, जितने सहाफी हैं, सहाफत बदनाम होगी दुनिया में, कि सहाफी को पैसे दे दिए गए हो कि तुमने ये नहीं लिखना, तुमने ये लिखना है, तो गोया के सच और झूठ का इस्तेमाल हो गया। पर मेरा रब उससे सच्चा दुनिया में कोई नहीं है, उसने बयान कर दिया। और सहाफी बयान करे तो हो सकता है कि एक दिन अखबार में आए, दो दिन अखबार में आए, तीन दिन अखबार में आ जाए, उसके बाद मामला ठप, बयान करने वाला खामोश। रब तआला ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर को कुरान मजीद के अंदर लिख दिया कि जब तक कुरान पढ़ने वाला कारी मौजूद रहेगा, मोहम्मद मुस्तफा का मेराज नमाज में बयान होता ही रहेगा। तो ये आज इसे सुनने आए हो तो जरा कुछ जितने थोड़ा सा टाइम बच गया है तो आप इसमें बातें दिमाग में बिठा लीजिए। रब ने क्या कैसे शुरू किया? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब ने कहा सुभान, पाक है वो। अल्लाह ये कह देता कि रहमान है वो, रहमान भी तो उसी का नाम है, कह देता अल्लाह है वो, नहीं कहा सुभान पाक है वो। तो 19 आयत के अंदर इस वाक्य को शुरू किया जो, तो शुरू करते ही सुभान क्यों लिख दिया? तो एक बात याद रखना, सुभान जब आदमी अपने मुंह से कहता है तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह जब उसने बोल दिया उसी वक्त जन्नत के अंदर उसके नाम का दरख्त लग गया। तो जहां तुम्हारा दरख्त होता है वहां तुम्हारी ही जमीन होती है, वो दरख्त तुम्हारा, वो जमीन तुम्हारी। तो तुम्हारा दरख्त जब जन्नत में लगा तो थोड़ा सा जन्नत से वाबस्तगी तो हो गई, और जब तुमने सुभान कहा तो रब कहता है कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही जब कहा तो रब ने नबी की जुबान से हम तक पैगाम पहुंचाया कि उसी वक्त एक फरिश्ता पैदा हो गया, वो फरिश्ता जो है अपनी जुबान से कयामत तक तेरे लिए इस्तगफार करता रहेगा। तो अभी सुभान तुमने बोला, अभी सुनिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही जब बोल दिया, रब फरमाता है मुझे सुभान कहने वाले, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। तो रब ने इस वाक्य को सुभान से शुरू किया, पहले तेरा दिल पाक हो जाए, तेरी जुबान पाक हो जाए, तेरा दिमाग पाक हो जाए, जब ये सब पाक होंगे तो फिर पाकों के बादशाह का मसला नहीं समझ में आ जाएगा। तो सुभान एक दफा जरा बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान। अब बात समझ में, क्यों ये बात मुश्किल क्यों है? असल में ये मौजदा है। मौजदा क्या होता है तो सुन लीजिए, अल्लाह ने जो चीज पैदा की उस चीज के अंदर एक असर पैदा किया, उसकी एक तबीयत है, उसके मुताबिक वो चीज असर करती है। अल्लाह ताला ने आग को पैदा किया और आग के अंदर अल्लाह ने एक चीज रख दी, उसको कहते हैं जलाना है, तपश है। तो आग जब जलाओगे तो उसका असर ये है कि वो जलाएगी। अल्लाह ताला ने बर्फ को पैदा किया, वो बर्फ के अंदर एक चीज रख दी। अल्लाह ने पत्थर को पैदा किया, पत्थर के अंदर एक चीज रख दी, पत्थर भारी है, वो डूब जाता है। अल्लाह ताला ने लोहे को पैदा किया, वो छुरी भी उसी से है, तो उसके अंदर काटना है, तेजी है, ये चीज उसके अंदर पैदा कर दी। तो बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह ने जब चीज बनाई तो चीज के अंदर एक असर रखा, तो जब चीज अपने असर के मुताबिक काम करे उसको कहते हैं अफआले आदिया, आदिया कि ये आदत के मुताबिक काम कर रही है, और जब चीज अपने असर के मुताबिक काम ना करे उसे कहते हैं मा फौकुल आदत। तो जब चीज अपना असर खत्म कर दे तो उसी को कयामत कहते हैं, और नबी से हो तो उसे मौजदा कहते हैं। आप जरा सुन लीजिए, इंसान की अकल में ये आया कैसे हो सकता है कि एक भारी जिस्म ऊपर चला जाए? ये ग्रेविटी का असूल जो है ये कहां से निकला था? एक भारी चीज
को जब छोड़ा गया तो वो नीचे गिर गई, जिसको आप सिर्फ कहते हो, तो इसी से निकला था ना ये रसूल। तो पता ये चला कि चीज जो है वो फजा में ऊपर नहीं जा सकती बगैर बगैर पावर के। इसलिए जब आप स्पेस के अंदर खलाई शटल को भेजते हो तो उसके साथ तीन बड़े बड़े इंजन लगा देते हो, एक जला खत्म हुआ, दूसरा जला खत्म हुआ, तीसरा जला आगे चला। तो ये सारी चीजें किस लिए हैं? ताकि वो अपने प्रेशर के साथ इसको स्पेस की हदूद में दाखिल कर दें। 25,000 इतनी रफ्तार से ये चल रही है, तो भाई ये तीनों चीजें उसको पुश कर रही है। लेकिन अगर पुश करने वाला कोई ना हो तो चीज जो है वो नीचे गिर जाएगी। तो अब मैं बताना आपको इतना ये चाहता हूं, साइंस आपने पढ़ी है कि चीज अगर यहां की होगी, और आसान कर दूं, चीज अगर जमीन की होगी तो जब यूं फेंकोगे, आइंस्टाइन को छोड़ो वो क्या कहता है, मेरी सुनो मैं क्या कहता हूं, चीज यहां की होगी तो फेंकोगे तो यहां पलट के आएगी। गौर से सुनो, वो ग्रेविटी का छोड़ो, जो यहां की होगी उसे फेंको तो पलट के यहां आएगी। अगर किसी चीज को आसमान की तरफ छोड़ो वो यहां की ना हो तो नीचे नहीं गिरेगी। मेरा नबी अगर बुलंदी पे जा रहा है, नीचे नहीं गिर रहा, तो समझो यहां का नहीं वादा है। बुराक फजा में उड़ा, बुराक फजा में चला। बुराक की वो शक्ल नहीं जो तुम देखते हो कि एक लड़की को जेवर पहना दिए, लड़की की शक्ल लगा दी, पीछे उसके पर लगा दिए, नहीं, ये शक्ल नहीं है, किसी बंदे ने खुद बैठ के अपनी ख्वाहिश पूरी की है, ये बुराक की शक्ल नहीं है। तो बुराक बर्क, बर्क बिजली, मेरे रब ने बिजली को जानवर की शक्ल दे दी। तो मेरा नबी जब उस पर बैठा तो वो नीचे गिर गया, वो एक घोड़े की शक्ल बन गई, वो नीचे गिर गया। क्यों? इसलिए कि बुराक यहां का नहीं है। अगर तुम्हारा घोड़ा बुलंदी पे जाए, घोड़े को बिठाओ हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर का गेट खोल दो, घोड़े को गिराओ तो घोड़ा ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, क्योंकि घोड़ा यहां का है। तो बुराक में मेरा नबी बैठा तो बुराक नीचे नहीं गिरा, ऊपर गया, पता चला बुराक यहां का नहीं, जन्नत का था। तो आइंस्टाइन क्या कहता है या साइंसदान क्या कहते हैं, तुम आसानी से याद करो, जो यहां की होगी वो यहां गिरेगी, जो वहां की होगी वो बुलंदी पे जाएगी। अब उसकी मर्जी है कि वो वापिस आ जाए। तुम्हारी अकल ने ये कहा कि बुलंदी पे चीज का जाना मुश्किल है, ठीक है, तुम्हारी अकल ने ये बोला कि बुलंदी पे चीज का जाना मुश्किल है भारी चीज का। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भारी चीज का बुलंदी पे जाना मुश्किल है अगर, तो हल्की चीज का तेजी से नीचे आना भी मुश्किल है। मिसाल देता हूं, मैं एक जो इंच लोहा है वो लेता हूं और एक इंच ही कॉटन लेता हूं। आपके पंजाब में आप गए हो तो मीनारे पाकिस्तान पे बुलंदी पे चढ़ दिया तो हर जाना बंद कर दिया उन्होंने, या आप अपने कराची में किसी बड़ी जगह पे ऊपर चढ़े या बुलंदी पे, वहां से दोनों चीजों को बजट बगल नीचे फेंक दिए, एक इंच लोहे को भी और एक इंच कॉटन को भी। लोहा जल्दी आएगा, कॉटन देर से आएगी। धागा बुलंदी से फेंको, धागा देर से आएगा, लोहा जल्दी आएगा। अगर ऊपर से बुलंदी से कागज फेंको तो कागज देर से नीचे आएगा, लोहा जल्दी से नीचे आ जाएगा। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि अगर किसी भारी चीज का ऊपर जाना तुम्हारी अकल में नहीं आता तो फिर हल्की चीज का तेजी से नीचे आना भी अकल में नहीं आता। तो बताओ जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या है? सब बोले नूर। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? तो आम बंदा बोला कि बशर, यानी उनका जिस्म है। तो जिस्म का ऊपर जाना तेजी से ये समझ में नहीं आता, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से इतनी तेजी से चले कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के किनारे से धक्का दिया गया तो आप अभी पानी के किनारे तक नहीं पहुंचे कि यूसुफ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिदरतुल मुंतहा से चलकर नीचे आके पकड़ दिए। तो अगर जिस्म का ऊपर जाना बड़ा हैरानकुन है तो इस नूर का तेजी से नीचे आना भी बड़ा हैरानकुन है। तो अगर जिब्रील नीचे आ सकते हैं तो मोहम्मद मुस्तफा ऊपर जा सकते हैं। लेकिन सुभान कह के तुम्हारी अकल को पहले पकड़ा और साफ किया, देखो कुछ मसले ऐसे हैं, अकल साफ करके खाली करके फिर बैठ, तब तुम्हें समझ में आएंगे। देख, हम ये नहीं कह रहे कि मोहम्मद मुस्तफा गए, हम कह रहे हैं कि पाक है वो जात जो अपने बंदे को लेकर गई। अब तुझे इतराज करना है तो हम पे इतराज कर, अगर हम ना ले जा सके तो हम पाक नहीं हैं, अगर हम पाक हैं तो फिर हम ले जा रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा मसाइब और जुल्म हुए। आप लोग सब मुसलमान जलवा फरमाओ, अमेरिका में आते हो, कितनी तुम्हें परेशानियां होती हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है पाकिस्तान में, बेचारे कुंडी लगा के रो रहे होते हैं। कहां से आए थे? अमेरिका से।
वहां के लोगों को यहाँ आने का बड़ा शौक होता है, जो यहाँ बैठे हैं वो लुकर में बैठ के रो रहे होते हैं। बस इसी तरह ये आदमी किसी हाल का खुश नहीं है, आदमी है बेचारा मीरपुर में उतरा कुंडी लगा के अंदर रो रहा है, माँ को कहता है माँ तुझे नहीं पता उनके ग्रीन कार्ड कैसे हासिल किया, बड़ी मुश्किलें हुई हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, दुख इंसान को आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख मेरे नबी की जात पर आए, मेरे नबी की प्यारी दीनी विसाल हो गया उनका, मेरे नबी के प्यारे चचा विसाल हो गया उनका, मेरे नबी को नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही, मेरे नबी नमाज पढ़ने जाते हैं तो तमाचे मारे जा रहे हैं, मेरे नबी का सोशल बायकॉट कर दिया गया, मेरे नबी को खाना नहीं पहुंचाया जा रहा, मेरे नबी को पानी नहीं पहुंचाया जा रहा, मेरा नबी जब भूख लगती है तो चमड़े को पानी में भिगो के खा रहा। इतना जुल्म, 3 साल तक सोशल बायकॉट कर दिया, मक्के वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी। रब ताला ने कहा जिब्रील अर्ज की रब जलील फरमाया जाओ आज हमारे नबी को लेकर आओ, जिस जमीन पर हमारे नबी पर जुल्म हो रहे हैं उसी जमीन से उठाकर हमारे पास लेकर आओ, हम अपना दीदार करवाते हैं। लेकिन सुनो, जब कभी कोई आता है तो उसके लिए सवारी भेजी जाती है। एयरपोर्ट पर कोई बड़ा साहब आ रहे हैं अल्लामा साहब, तो पता चलेगा जाइए सवारी भेजिए उन्हें लेकर आइए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आ रहे हैं जाइए एयरपोर्ट पर सवारी भेजिए उन्हें लेकर आइए, वैस रजा कादरी साहब आ रहे हैं जाइए जी बंदा जाएगा वहां 2-3 गुलाब फूल भी ले जाइए भूखे भी, वो आ रहे हैं गाड़ी भेजिए उनके लिए। आपका जब कोई बड़ा आता है तो आप अपने हिसाब से गाड़ी भेजते हो। रब ताला ने जिब्रील से कहा जाओ जन्नत में जाओ, नूर आ रहा है कोई नूर वाली सिवारी लेकर जाओ। जन्नत में गए, जन्नत में जाकर निगाह डाली, जन्नत के अंदर जो जानवर है नाम उनका बुरा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा आज तक कोई बुराक पे नहीं बैठा, एक रिवायत। दूसरी रिवायत, मेरे नबी के अलावा अभी तक कोई बुराक पे नहीं बैठा। बुराक को देखो, सारे बुराक देखे, बड़े मोटे ताजे बुराक फिर रहे हैं। ये सवारी है आपकी, आप नूर वहां आपकी सवारी डिफरेंट होगी, यहाँ तो बेंटली है आपके लिए, यहाँ आपके लिए लेक्सस गाड़ियां हैं, वहां आपके लिए डिफरेंट सवारियां होंगी। अब वहां भी ना जुड़ते रहना, जापान ने कौन सी नई गाड़ी भेजी है, वहां डिफरेंट गाड़ी होंगी आपके लिए। आप माशाल्लाह पहुंचिए सही, कब्र से आप उठेंगे सबसे पहले आपके लिए जो सवारी होगी वो आपके ये जानवर होंगे जो आप कुर्बानी देते हो, इसलिए अच्छा जानवर खरीदा करो। ये खड़े होंगे लाइन लगा के, हाँ भाई किसके ऊपर बैठा है सवारी है, फिर आपके लिए सवारी चेंज होती रहेगी। जब तुम सराह से गुजरोगे तो फिर आर्डर आएगा जिब्रील इनकी सवारी छोड़ो, ऊपर दिशा तेरे पर सफर करेंगे, आपकी सवारी बदलेगी, बस नदी से इश्क करो, देखो कैसी कैसी तुम्हें गाड़ियां मिलती है। सवारी को ढूंढो, जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, सारी सवारियां फिर रही हैं, एक को देखा कि बुराक जो है वो रुककर पे बुराक। जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे, जब पहुंचे तो देखा भाई तुम क्यों रो रहे हो, कहा जन्नत में ये खबर है, जानवरों को अल्लाह का कलाम मालूम होता है, ये खबर है। आप बोलोगे जानवरों को कैसे बताओ, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टाइम कम होता है और मौलवी जो है वो आपको कम चीज बता चुका होता है, उतनी आप याद करते हो। ये तो जानवर तो बुरा तो फिर बहुत बड़ा घोड़े जितना है, ये जो चींटी है इसको पता होता है, आपने कुरान पढ़ा सूरह नंबर में क्या है, काल अतनम लकुन चींटी बोली या युहन्नब नुदखुलु मसाकिनकुम ला यख्तमनकुम सुलेमानो वजनुदुहु वहुम ला यशुरून। ए चींटी और अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान ने सलाम का लश्कर बेखबरी में तुम्हें रौंद ना डाले। इस चींटी को पता लश्कर आ रहा है और बीच में सुलेमान ने सलाम है, और इनको पता होता है जानवरों को नबी का ज्यादा पता है, सिर्फ मुर्गी को नहीं पता नबी का कि नबी का मकाम क्या है, इसे बुखारी पढ़कर नहीं पता, लेकिन जानवर जाहिल है उसने बुखारी नहीं पढ़ी पर उसे पता नबी का मकाम क्या है। बुराक नुक्कड़ में रो रहा, नुक्कड़ में रो रहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो, कहने लगा जब से खबर सुनी कोई बुराक जाएगा नबी को आसमानों पे लेके आएगा, मैं सोच रहा था तुम वो लेके जाओगे जो बड़े ताकतवर होंगे, मैं कमजोर हूँ लेकिन नबी की याद में आंसू बहा रहा हूँ कि मुझे कमजोर ना चीज को कौन लेके जाएगा। इतना जुमला कहा कि मैं तो कमजोर हूँ मुझे कैसे तुम लेकर जाओगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रब से अर्ज की या अल्लाह सारे बुराक तो अपने अपने हाल में है, ये रो रहा था, तो रब ने फरमाया जो नबी के गम में रोता है वही तो नबी के करीब होता है, जाओ इसी को लेकर जाओ। वो बुराक चला, अब जरा सिचुएशन मुलाहिज़ा कीजिएगा, बुराक को लेकर चले, बुराक की लजाम जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पकड़ी, 70,000 फरिश्ते मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ, 70,000 फरिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम के साथ, 70,000 फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, लजाम पकड़ के
जन्नत से सिदरतुल मुंतहा से फरिश्तों का जलूस मक्का की जानिब जा रहा है और बुला खाली। हालांकि जब सवारी आ रही हो तो आप सवारी के अंदर बैठ जाओ, गाड़ी चलती है तो गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी कहीं छोड़नी है दूसरी जगह तो चलो गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन आपको समझ नहीं, मैं समझाता हूँ। कभी आपने आजकल तो खैर आज तो अमेरिका में भी ये सिलसिला शुरू हो गया है, जनाब दूल्हा साहब बग्घी में बैठेंगे घोड़े पे बैठेंगे, लेकिन घोड़े आ रहे, वो घोड़ी जो होती है ना बड़ी व्हाइट कलर की बड़ी खूबसूरत, उसको जेवर पहनाए होते हैं, मेहंदी लगी होती है, वो घोड़ी मैंने अक्सर देखी। मैं तो अपने ही शहर का हवाला दूंगा, बचपन में देखते थे वो बंदा खुद साइकिल पे बैठा हुआ, घोड़ी की लगाम हाथ में पकड़ी है, कोई अल्लाह के बंदे तू साइकिल पे बैठा हुआ तू घोड़ी पे बैठ जा, उस साइकिल पे तू बैठा हो घोड़ी पैदल खाली तेरे पीछे आ रही है, तो इधर मुझे बैठा मैं तो उनके पास तीन चार घोड़ियां थी। आप अगर बागबानपुर के पुरे की तरफ जाए, पुराने बागबानपुरे की बात कर रहा हूँ, बड़ी घोड़ियां थी उनकी, बड़ी बहुत दूल्हा आदमी उसके ऊपर बैठते थे। मैंने पूछा यार तुम साइकिल पे जा रहे हो घोड़ी की लगाम हाथ में पकड़ी है घोड़ी पे क्यों नहीं बैठते, बोले हम नहीं बैठेंगे इस पे दूल्हा बैठेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम बिला तशरीफ बुराक की लजाम हाथ में पकड़ी, बुराक फुल सजा हुआ और बुराक पे ऊपर नहीं बैठे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आप ऊपर बैठ जाइए अपने पर काहे को यूज कर रहे हो, बोले हम नहीं बैठेंगे कायनात का दूल्हा बैठेगा इसके ऊपर। बुराक नीचे आया, लोग नीचे बुराक आया तो अदब का भी कोई तकाजा, अदब के बगैर इंसान कभी कामयाब। अमेरिका में तुमने इंग्लिश का एक्सेंट सीख लिया, अदब ना सीखा, इसलिए ना तुम्हारे पास इलम है ना तुम्हारे टीचर के पास इलम है। जाओ जितनी बेइल्मी अमेरिका में देखी मैंने कहीं नहीं देखी। इलम इंग्लिश का आ जाना नहीं होता बच्चो, इल्म क्या होता है कि तुम्हें अदब कितना आया। अगर तेरे अब्बा का अदब तेरे अंदर आया तो समझ तू अल्लामा है, अगर तेरी माँ का अदब तुझ में आया तो समझ तूने पढ़ लिया, अगर उस्ताद का अदब आया तो समझ तुमने पढ़ लिया, और अगर तुमने यहाँ डिग्री लेने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद भी तुमने कहा हु आर यू शट अप फादर व्हाट्सएप, समझ तू बदतमीज है और शैतान से भी बदतर है और तू जाहिल मुतलक है। यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री लेकर निकलना इल्म नहीं है, यूनिवर्सिटी से निकल के बाद अदब का बढ़ जाना इसे इल्म कहा करते हैं। तो अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो फिर टाइम जाया कर रहे हो मेरे बच्चों, इसलिए अदब सीखो बच्चो। लेकिन ये अदब तुम्हें नजर आएगा बड़ों में बुजुर्गों में और ये मस्जिद और मदरसा में नजर आएगा जहां आप लोग ध्यान नहीं देते। मैं अपने बच्चों के ऊपर बड़ी सख्ती बात उतार कर जाता हूँ, फील करता हूँ, लेकिन वो बड़ी जरूरी है। मैं अदब पे बेटे अदब, अब्बा बात कर रहा है नजर झुका के बात कर, माँ बात कर रही है नजर झुका के, उनकी चेहरे के ऊपर मत देख। मेरे नबी ने फरमाया जो गुस्से से अपने माँ को या बाप को देखता है अल्लाह उसकी नमाजें ही कबूल नहीं करता। तेरा क्या फायदा एक्सेंट बोलने का, इंग्लिश बोल के क्या करेगा, क्या कर लेगा। चाइना भी तरक्की कर चुका बगैर इंग्लिश के, रशिया ने भी की बगैर इंग्लिश के, तेरी इंग्लिश पढ़ जाने से कोई तरक्की की दलील नहीं है। तेरी तरक्की तब है जब अब्बा से ज्यादा अदब तेरे अंदर हो, तेरे अंदर हो। तेरी बात याद रखना, अदब जो है हमें सिखाया गया जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मेरे नबी यही टाइम है, जो भी का टाइम है ना यही तकरीबन टाइम है। मेरे नबी जलवा फरमा उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में, बात ने कहा हकीम के अंदर, मेरे नबी यूं लेटे हुए उम्मे हानी के घर में हुजरा में, यह आपकी कजन है, वो बाहर के कमरे में जलवा फरमाए, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम चाहते तो दरवाजा खटखटा देते, चाहते तो भाई से आवाजें देने लग जाते, नहीं ये अदब है मेरे नबी का और ये अदब रब ने सिखाया। भाई खड़े हो गए, खड़े हो गए, अब रब से पूछते मालिक, शैतान हमारा सरदार था उस्ताद भी था, उसने बदतमीजी की और तूने सारी इबादत जाया कर दी, वो तो नबी थे पहले, ये आखिरी नबी है, कहीं उससे बेदबी ना हो जाए, तू बता कैसे जगाऊं, तू बता कैसे जगाऊं। तो कहते हैं कि हुक्म हुआ कि कब्बिल कदमा है, अंदर जाओ और जाके नबी के पहुंचूंगा। अदब अदब देखिए, अब अदब देखिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने रिवायत की है, याद कर लो सब बच्चे भी और आप लोग भी, हुजूर के पास एक आदमी आया, कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने मन्नत मानी थी खाना काबा फतह होगा तो मैं इस खाबे के दीवार की दहलीज को, दरवाजे की दहलीज को चूमूंगा, दरवाजा होता है ना तो नीचे वाली को दहलीज बोलते, मैं इस दहलीज को चूमूंगा। आपने फरमाया तेरी अम्मी जिंदा है, अर्ज की या रसूलल्लाह हां मेरी अम्मी जिंदा है, आपने फरमाया जा जा के उसके पांव चूम ले तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो बाप माँ पांव चूम ले जा तेरी मन्नत पूरी हो गई, अल्लाह पर जला शाओ, तो चूमना शिर्क नहीं होता। आजकल तो सिर्फ हुजूर के नाम को चूमना जो है, हालांकि हम अपना हाथ चूम रहे होते प्रॉब्लम दूसरे को पड़ रही है, चूमना शिर्क नहीं है।
चूमना शिरक हो तो कोई बंदा हमें से मुसलमान नहीं होगा, सारे काफिर हो जाएंगे। ये महाकत की अलामत होती है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो दरवाजे पे खड़े हुए, तो जब ऑर्डर आया तो आप सरकार फरमाते हैं कि कुंडी नहीं खटकाई, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नहीं खटकाई कुंडी, ना ही दरवाजा पे खटाया, ना आवाज दी। जो ये जो सीलिंग है, ये यहां से वो नूर लाइट जो है, जिब्रील अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ आए। अभी अमेरिका और जर्मनी दोनों मिलकर इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ये लाइट एकदम से अंदर जाकर बॉडी को वजूद में दे। खैर ये मुश्किल होगा इनके लिए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो ही आए एकदम लाइट आई, यूं क्रॉस किया, तो कहते हैं कि छत फाड़ना पड़ा, छत फटा नहीं। अगर छत फटे तो आवाज आती है, तो छत को फाड़ा नहीं, लाइट को गुजरने के लिए किसी चीज को फाड़ने की जरूरत नहीं होती, लाइट अंदर आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पांव की तरफ खड़े हो खड़े हुए तो यूं अपने काफूरी होंठों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव को चूमा। जब नबी के पांव को चूमा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे से चादर हटाई, चादर हटा के कहने लगे, यूं देखा फरमाने लगे, जिब्रील ये अंदाज क्या है? अर्ज की है रसूलुल्लाह, रब शौक फरमाता है, इश्तियाक है, चलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया गया, उठा के हकीम में ले। ये हकीम में आप लोग नमाज पढ़ते हो ना, ये हकीम में, ये हकीम काबे का हिस्सा है, और यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र है। लोग कहते हैं जी तुम कब्रों के पुजारी हो, सोरे वहां जाके नमाज पढ़ो, वहां इस्माइल अलैहिस्सलाम की और हजरत हाजरा की वहां कब्र है भाई हो। और एक दूसरी रवायत सुन लो, ये किताब में तारीख मक्का पढ़ना, जाके तारीख मक्का में लिखा है वहां 300 नबियों की कब्रें हैं, तो कब्र के पुजारी तुम हुए कि हम हुए, सारे वहां जाके सजदा कर रहे हो। अगर 300 को छोड़ दो तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र तो कोई माई का लाल इनकार कर ही नहीं सकता। तो बोलो ये उतना बंदा इधर से बोलता इधर से बंद कर लेता हर चीज, बड़े प्रोजेक्ट से मसला सच्चा हो जाता है, ये बात नहीं है, तहकीक होनी चाहिए और सच्चाई का थोड़ा सा मादा होना चाहिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र वहां है, हजरत हाजरा की कब्र वहां है, तो मुझे जुमला कहने दो, हकीम में नमाज पढ़ने वाले को हकीम में नमाज क्यों पढ़ रहा, एक यहां बड़ा सवाल होता है, तो फिर मुझे कहने दे, सवाब तो अल्लाह हर जगह है, मान कि जहां रब के नेक बंदे की कब्र हो वहां रहमत ज्यादा होती है, मान इस बात को। इसीलिए रब ने कहा, सुनिए, रब ताला फरमाने लगा, सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मेरे नबी पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के तक, अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जिसका इर्द गिर्द हमने बाबरकत बनाया है। ये तुम्हारी मस्जिद है ना, इसका इर्द गिर्द बाबरकत नहीं है, सात बाजार है, बाजार दुनिया की बदतरीन जगह है। ये अरबी मस्जिद है ना, इसका इर्द गिर्द बाबरकत नहीं है, दुनिया की कोई मस्जिद जिसका इर्द गिर्द बाबरकत नहीं सिवाय मस्जिद अक्सा के। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, तुम्हें भी ऊपर गुजरनी, खड़े होकर बताओ, तुम्हारी कोई भी मस्जिद जिसके इर्द गिर्द बाजार है उसका इर्द गिर्द बाबरकत नहीं है सिवाय मस्जिद अक्सा के। रब बोलता अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसका इर्द गिर्द हमने बाबरकत बनाया, मालिक बाजार बाबरकत नहीं होते, नबी ने कहा है मस्जिद बाबरकत होती है, इसका इर्द गिर्द बाबरकत क्यों है? जवाब आया, 100 नबियों की कब्रें हैं, 100 नबियों की कब्रें हैं, तो पता चला जहां कब्र हो वहां शिर्क नहीं होता, रब की रहमत नाज़िल होती। ये तुम्हें सच्चा कुरान नहीं सुना रहा, कुरान सुन, कसम में हर आदमी का अपना कुरान है और हर आदमी की अपनी हदीस है। वो बुखारी की छोड़ देगा अगर उसकी हदीस उससे मैच नहीं करती, और वो कुरान की छोड़ देगा। देखो अल्लाह की बारक ना हो, तुम ही जवाब दे दो, चलो इंग्लिश का तर्जुमा पढ़ लो, जिसका इर्द गिर्द बाबरकत है, क्यों उसका इर्द गिर्द बाबरकत क्यों है? जवाब आया कि 100 नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र वहां है, एक रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम की, एक रिवायत के मुताबिक वहां दाऊद अलैहिस्सलाम, ये नबियों की कब्रें वहां मौजूद है, अल्लाह पर जल्ला शानो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर को लेकर गए हकीम में, हकीम में जाके लेजर ऑपरेशन, लेजर का इस्तेमाल सबसे पहले हो गया, आपका सीना चाक किया गया, यूं इशारा किया यहां से लेके यहां बैली बटन तक आपका सीना खोला गया, ये बाईपास नहीं होता आपका, यहां से फाड़ते ना वो चीते, यूं रख के मशीन अंदर से दिल बाहर निकालते, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पहले हो चुकी, दिल बाहर निकाला, दिल निकाल के सरकार फरमाते हैं यूं तश्त पे रखा, सोने का तश्त है, तश्त में मेरा दिल रख दिया गया, मैं अपने दिल को देख रहा हूँ। जाओ मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मीकाईल जी जाओ पानी लेकर आओ, जमजम लाएंगे, और जमजम को लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से मस किया, ऐ जमजम तेरी बरकत कितनी,
तेरा रुतबा बढ़ गया। पहले तुझे सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम का कुरब मिला था, जो मैंने जुमला सुना था, तुम्हें पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम का कुरब मिला था, पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मारा था, कदम का कुरब मिला था, और आज तुम्हें नबी के दिल का लमस मिल गया। और ये नबी के दिल के साथ मस होने का एजाज है। जाओ, तुमने कोक पीनी है तो बैठ के पी, खड़ा होकर पिएगा तो शैतान की भयंकर शक्ल तेरे साथ शामिल है। अगर तुमको स्प्राइट पीना है तो बैठ के पी, चाय पीनी है तो बैठ के पी, पानी पीना है तो बैठ के पी, उजाल का पीना है तो बैठ के पी, कोई पानी पीना है, प्योरीफाई किया गया या मिनरल है, बैठ के पी, लेकिन जमजम का पानी है, हालांकि H2O बनी है, लेकिन खड़े होके पी। इस पानी के लिए तुम्हें खड़ा क्यों किया गया? खड़े होके पी इसलिए कि इसका दर्जा बढ़ गया है। क्यों? ये नबी के दिल के साथ लगा। जब नबी के दिल के साथ लगे उसके लिए खड़ा हो जा, तो जब नबी के साथ लगे उसके लिए खड़ा हो जा, तो नबी के सलातो सलाम के लिए कोई खड़ा होता है? अच्छा, ये जितने हैं ना जो नबी के सलाम पर खड़े नहीं होते, इनका जिस दिन ओथ हो उस दिन देखना, जिस दिन इनको पासपोर्ट मिलना उस दिन इसके पीछे पीछे जाया जाता है। इतनी लंबी इसकी दाढ़ी होगी, मूंछ इसकी साफ होगी, और ये मिंबर पे कहता होगा खड़ा होना शिर्क है, उस दिन खुदा की कसम ये अमेरिका के नेशनल एंथम के लिए खड़ा हुआ होगा। इसको कहां से पकड़े? मुल्ला लाख डॉलर तनख्वाह लेता है और लोगों को बकवास सुनाता है कि खड़ा होना शिर्क है तो आप बैठ लीजिए, और अगर अमेरिका के कराने के लिए खड़ा होना जायज है तो हुसैन के नाने के लिए भी खड़ा होना जायज है। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक पासपोर्ट के लिए तूने सारी हदीसें चेंज कर दी, एक पासपोर्ट के लिए तूने अपना ईमान बदल दिया, अब तू खड़ा हो रहा है कि मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा, तो जो पासपोर्ट के लिए खड़ा हो तो सिर्फ तुझे निष्कलंकी मिलेगी, और मेरा इंतजाम कहता है जो मोहम्मद के सलाम के लिए खड़ा हो उसे जन्नत मिलेगी, क्योंकि वो नबी के सलातो सलाम के लिए खड़ा हुआ है। अपना अपना इंतजाम ठीक है, खड़े हो तुम, और इसका बच्चा रोजाना सुबह खड़ा होता स्कूल में, जाओ पूछो बच्चों से, कौमी तराने में खड़ा होता है टिकल बिगल पे? खड़ा होता ही, खड़ा होगा तब नहीं अपने बच्चे को देखते, सलातो सलाम के लिए खड़ा होना हराम है, कौमी तराने में खड़ा हो जाएगा तेरे बाप का है, उसमें नहीं बोलता है, उसमें कहेगा खड़ा हुआ कर, ये है ईमान की हालत इंसान की। तो बस किसी से अंदाजा लगा लो कि तबरी किस चीज की है, इश्क की बात है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से जमजम लगा पता खड़ा हो जाए। और अब एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, एक मौली तकरीर कर रहा था, कहने लगा कि कब्र पे जाने वाला इसी तरह है जैसे मंदिर में जाने वाला हिंदू है। मैंने पूछा वो क्यों? कहने लगा रिजेंबलेंस, मुशाबहत। मैंने कहा ठीक है मुशाबहत, अब मुझे ये बता कि जो गंगा जल लेकर आता है और जो जमजम लेकर आता है रिजेंबलेंस है कि नहीं है? बोल मौली बोल। जो गंगा जल लेकर आया वो काफिर, और जो जमजम लेकर आया, क्या दोनों पानियों में फर्क है? गंगा जल भी H2O1, जमजम भी H2O1, दोनों पानी, दोनों वाटर, उसका मुंबा भी पहाड़, इसका मुंबा भी पहाड़, दोनों पानी है, लेकिन अगर कोई गंगा जल के लिए खड़ा हुआ तो काफिर, जो जमजम के लिए खड़ा हुआ तो मुसलमान, बताओ फर्क क्या है? तो पता चला फर्क चीजों में नहीं, फर्क निस्बत में है। फर्क निस्बत की वजह से है, तो गंगा जल के लिए खड़ा हो पाए तस्मात काफिर, हालांकि रब ने ही गंगा जल पैदा किया है, गंगा का वाटर मेरे रब ने पैदा किया है, और जमजम भी मेरे रब ने पैदा किया है, लेकिन गंगा जल को किसी वली का पाऊ नहीं लगा, आप जमजम को मेरे नबी का दिल लगा है, उनके बाप का पाऊ लगा। इसको याद करो, ये इस्लाम है, तू पता नहीं इधर नमाजें ठोक रहा, रब को नमाजों की जरूरत होती है, सारे यजीदी जन्नत में होते हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं जब तक के मोहम्मद का इश्क नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा जमजम लाओ, जमजम लाया गया, मेरे नबी के दिल को धोया गया और फिट कर दिया गया। यह तब्दीली काहे की थी? देखिए इस्लाम में रब के कामों में और नासा के कामों में फर्क है। यहां 6 महीने आपको ट्रेनिंग के देना पड़ती है। एक साहब गए थे चांद के ऊपर, उन्होंने $2 मिलियन चंदा दिया था पहले, उनको वैसे साथ लेकर गए कुछ दिनों के लिए चांद पर हो गए, पता नहीं ये भी नहीं दोबारा 2 मिलियन इन्होंने लिया। वो जब आपने चांद पर जाना होता है तो आपको यहां ट्रेनिंग दी जाती है ह्यूस्टन के अंदर, वो क्या होती है? आप बिल्कुल उसी माहौल के अंदर कुर्सी पे बैठ के घूम रहे हो, पानी के अंदर कितने कितने घंटे नीचे बैठ रहे हो, वो बड़ी बड़ी हार्ड किस्म की ट्रेनिंग होती है।
उसके बाद आपको बताया जाता है कैसे किसी चीज को यूज करना है, कैसे ऊपर जाना है, कैसे नीचे जाना, सारी चीजें। तो ये 6-7 महीने बल्कि इससे भी ज्यादा लग जाते हैं। अब मेरे नबी ने बड़ी तेजी से सफर करना है, तो आप लोग तो 6-6 महीने और 1-1 साल तक ट्रेनिंग लेते हो, उससे पहले पता नहीं कितना पढ़ते हो, तो उसके बाद तुम्हें जाकर फ्लाई शटल में बिठाया जाता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी फास्ट सफर करना है, तो अब क्या हुआ, आपके दिल को निकाल के ऐसा सिस्टम लगा दिया गया रूहानी तौर पर कि जब 186,000 माइल पर सेकंड की रफ्तार से सफर हो तो एयर फ्रिक्शन से मेरा नबी का जिस्म जो है वो बच जाए, वरना एयर फ्रिक्शन हो जाती है। सरकार के दिल को इसलिए निकाला गया, फिट किया गया, वो एक पावर दे दी गई। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद किया गया, जन्नत से लिबास लाए थे जिब्रील अलैहि सलाम, लिबास आपको पहनाया गया, लिबास पहनकर सर पे अमामा रखा गया, जैसे आप लोग हेलमेट पहनते हो सर पे अमामा, और आपको जुबा पहनाया गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले तो कहते हैं कि इतने प्यारे और खूबसूरत लगे कि आवाज आई सुभान, क्या हंसी लग रही है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवारी जो है वो सामने रख दी है। जब सवारी को सामने रखा गया तो आपने बैठने से थोड़ी देर तवक्कुफ फरमाया, आपने आप बैठ गए, आपकी आंखों से आंसू आ गए। जिब्रील अलैहि सलाम पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप बुराक पे क्यों नहीं बैठ रहे। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोने की वजह यह है कि मुझे अपनी उम्मत याद आ गई। जब किसी आदमी को नवाजा जाता है तो वो छोटों को भूल जाता है। आप सदर के पास जाओगे तो अपना ही जिक्र करोगे, हमें भूल जाओगे। आपकी मुलाकात ओबामा से हो जाए तो आप हमें भूल जाओगे, आप अपना ही तस्करा शुरू कर दोगे। कुर्बान जाए इस नबी पर कितनी मोहब्बत है उम्मत से, लम्हे लम्हे जहां जहां रब नवाज रहा है वहां वहां उम्मत याद आ रही है। सवारी पे बैठने लगे, मेरे नबी की आंखों से आंसू आ गए। जिब्रील अलैहि सलाम से रब कहने लगा, जिब्रील मेरा नबी मेरा महबूब बुराक पे क्यों नहीं बैठ रहा। अर्ज की, या अल्लाह तेरा नबी कहता है मुझे अपनी उम्मत याद आ गई, आज जब मैं सैर करने के लिए निकलने लगा मेरे लिए तो बुराक लाया गया, कल कयामत के दिन जब मेरी नबी मेरी उम्मत जब कब्रों से उठेगी उसके लिए क्या बुराक क्या सवारी लाई जाएगी। मैं इसलिए सोच में पड़ गया और रोने लग गया। रब ताला ने कहा, जिब्रील अर्ज की रब्बे जलील, फरमाया मेरे नबी से कह दो आपके लिए खुशखबरी है, जब आपका दीवाना पुलसराज से गुजरने लगेगा हम जिब्रील को हुक्म देंगे कि अपना पर इनके कदमों के नीचे बिछा दो, आपको सवारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके लिए सवारियां भी होंगी आपकी उम्मत के लिए। आइए आप बैठिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे मेरे नबी के, अभी देखिए ना आप, आपकी जो अमेरिका में गाड़ियां होती है उस गाड़ी के आगे आपका नंबर लगा होता है, तो वैसे जो अमीर आदमी है वो अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, हमारे साया साहब हैं इनकी गाड़ी में इनका नाम लिखा होता है, तो मेरा भी। तो गाड़ी के आगे नाम लिखा हुआ होना ये इस बात पे दाल है कि गाड़ी इसकी है। मेरा नबी जब चलने लगा तो क्या मेरे नबी की गाड़ी के पे नंबर प्लेट थी? आवाज आया, नंबर प्लेट तो छोटे बंदों की होती है, इनका नाम लिखा हुआ था तो उसके माथे पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं माथे पे लिखा है। अब जिधर जाए दरवाजे खुलते जाए, अब गाड़ी चलने लगी। मेरे नबी की सवारी जब चली तो मेरे नबी की सवारी कोई मामूली नहीं है, 186,000 माइल पर सेकंड की रफ्तार से चलने लगी। तो सबसे पहले पलक झपकते ही मदीना, सबसे पहले मदीना, या रसूलल्लाह नीचे उतरिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बुराक से नीचे तशरीफ लाए, नीचे जब उतरे ये कौन सी जगह है, खजूरों वाली, तो साथ वाले जो होते हैं वो बताते हैं ख्वाब पता भी हो। अब आप देखिए कभी आपका ये वजीर पाकिस्तान का जब जाता है उसे कुछ अंदाजा होता है कि ये आदमी किस रैंक का है, ये किस रैंक का, उन्हें कुछ लेकर फिर भी उसको चुप रहता है, साथ वाला बता रहा होता है ये फलां साहब है, ये फलां साहब है, ये फलां साहब है, ये फलां साहब। तो अब ये ना कहना कि जिब्रील बता रहे हैं तो नबी को बता लिया, नहीं, मेरा नबी जो है वो अपनी सल्तनत में जा रहा है और ये जिब्रील अलैहिस्सलाम वजीर है, ये बताएंगे ये है, ये सरकार आप उतरी है, मदीना शरीफ है, यहाँ पे हिजरत करके आना है, यहाँ दो नफरें पड़ी है, हुजूर नीचे उतरे दो नफरें पड़े, उसके बाद फिर सवारी पे बैठे, फिर सवारी से इतनी रफ्तार से जी पलक झपकते वहां पहुंची, पूरे सीना है वो, पहले मदीना है ये पूरे सीना है, पूरे सीना पे उतरी है, की तजल्ली पड़ी थी, यहाँ की दो नफरें पड़ी, हुजूर ने दो नफरें पड़े, फिर आए रस्ते में जा रहे हैं। अब यहाँ दो रवायत है, एक ये है कि ये बैतुल मकदस में पहुंचने से पहले अल्लाह ताला ने तमसील में चीजें दिखा दी ताकि उम्मत को बता दो। बात कहते हैं कि जब आप आगे बढ़े जेरूसलम से आगे बढ़े तो दिखी, लेकिन जहां भी है बातें दिखी। आपने रस्ते में देखा कुछ लोगों को, कुछ लोगों को आप रस्ते में देख रहे हैं कि वो चीथड़े उनके जिस्म के ऊपर, बहुत सारी तफसीलें देखी मैं चंद बयान करूं, चीथड़े हैं जिस्म के ऊपर लिबास ही नहीं। या रसूलल्लाह ये कौन, जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है,
اے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں سے زکات ادا نہیں کرتے تھے, اب ان سے ہر چیز چھین لی گئی اور اب ان کو آگے سزا اور ملے گی. پھر کچھ لوگ آگے دکھائے گئے کہ جو مردار کھا رہے ہیں ان کے قریب بڑا لذیذ اور بڑا اچھا گوشت پڑا ہوا ہے, لیکن وہ اس گوشت کو چھوڑ کر وہ جو مرا ہوا مردار ہے اسے کھا رہے ہیں. یا رسول اللہ, جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ آپ نے دیکھ رہے ہیں, یہ تمثیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نکاح کے بغیر اپنی بیوی چھوڑتے ہیں اور دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں, یہ حرام کھا رہے ہیں. پھر ایک کو دیکھا کہ وہ چھوٹے سے سوراخ میں سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے. یا رسول اللہ یہ آپ جانتے ہیں تفسیر کیا ہے, یہ وہ آدمی ہے کہ جو بات کر دیتا ہے لیکن بات میں پوری نہیں کر پاتا. تو تفسیریں دکھائی جا رہی ہیں. آگے گئے تو ایک عورت نے آواز دی, عورت بڑی بڑی سمری بڑا زیور اس نے پہنا, عورت نے آواز دی یا رسول اللہ رکیے, یا محمد رکیے, میرے نبی نے دھیان نہیں دیا, حضور نے دھیان نہیں دیا. اب یہاں جمعہ سنا, اگر میرے نبی کو کچھ پتا نہیں تھا, لوگ کہتے ہیں یہ جبریل علیہ السلام کیوں بتا رہے ہیں, پتا نہیں تھا تو پھر حضور اس کی طرف بھی دیکھ لیتے؟ نہیں, آپ نے سیدھا دھیان رکھا. سیدھا جب دھیان رکھا تو گزر گئے اس کے پاس, وہ عورت بلا رہی تھی. جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھا کیا جو اس کی طرف نہیں دیکھا, اگر آپ اس کی طرف دیکھ لیتے تو یہ عورت اصل میں دنیا ہے, تو آپ کی ساری امت دنیا کے فریب میں مبتلا ہو جاتی. آپ نے توجہ نہیں کی, اب کچھ ہوں گے جو ہوں گے آخر میں وہ بھی توبہ کر لیں گے. ہمارے نبی کا صدقہ ہے. ابھی آپ لوگ دنیا میں آتے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دنیا سے بڑا لگاؤ ہے. آخر کار آپ لوگ, آپ دیکھو آج آپ کا اتنا مجمع, آپ کا یہاں امریکہ میں آ جانا, حالانکہ آپ لوگوں کے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں, اپنے بچوں کو کیوں لے کر آئے ہو؟ آپ کے لاشعور میں کہیں دین ہے, آپ کے لاشعور میں کہیں اسلام ہے, آپ کے لاشعور میں دین کی محبت ہے, آپ کے لاشعور میں اور شعور میں بھی محمد مصطفیٰ کا عشق ہے, تبھی آپ سارے کام چھوڑ کر یہاں آئے ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے, آپ کو شراب پیش کی گئی اور آپ کو دودھ پیش کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی طرف دیکھا بھی نہیں, آپ نے دودھ پکڑا اور پی لیا. دودھ لے کے جب پیا تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھا کیا, آپ نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا, اس کی طرف دیکھا نہیں, ورنہ آپ کی ساری امت اس کے اندر مبتلا ہو جاتی. اور یہ جو دودھ ہے یہ دین ہے, یہ جو دودھ ہے یہ علم ہے, یہ جو دودھ ہے یہ فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ نے دودھ کو قبول کر کے اپنی زیادہ امت پر امت کو جنت میں داخل کروا لیا. اور میرا نبی کمال کرتا جا رہا ہے. آگے پھر جیروسلم میں پہنچ گئے. جب جیروسلم میں پہنچے تو آج جبریل علیہ السلام نے آپ کے براق کی لجام کو پکڑا. رستے میں ایک چیز آئی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, تو میرے نبی نے ایک بات بتا دی, اور یہ سب بچے بھی یاد کر لو, بچے یاد نہ کر پائیں تو تم یاد کروا لو اور تم بھی خود یاد کر لو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں براق پہ بیٹھ کے جب جا رہا مررتو بے قبر موسیٰ, میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا, وہ قائم یصلی فی قبرہ ہی, وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے. یہ حدیث بخاری میں ہے, یہ حدیث مسلم میں ہے, یہ حدیث مشکات میں ہے. تو آپ بس یاد کر لو کہ میرا نبی فرما رہا ہے کہ میں نے جب بھی تمہیں کوئی کہے کہ نبی مر گئے ہیں تو اس کو یہ حدیث بخاری کی سنا دینا, کہنا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا, وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھو میرے نبی نے کئی باتیں بتا دی, ایک تو میں قبر کے قریب سے گزرا, اوپر سے بھی گزرا کیونکہ بے ادبی ہے, دوسرا میں نے قبر کو دیکھا ہے, تیسرا میں نے قبر کے اندر بھی دیکھ لیا, چوتھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی اپنی قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں. تو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے زندہ ہیں تو میرے نبی کا اپنا عالم کیا ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں پہنچے تو سب انبیاء پہلے پہنچ چکے تھے, آپ کی براق کو باندھا گیا. اس جگہ آپ مسجد ہے, میں نے آپ کو جمعے کے خطبے میں اس کی تصویر دکھائی تھی, اس کو مسجد براق کہتے ہیں. کبھی جیروسلم گیا میں تو ان شاء اللہ آپ کو بتاؤں گا, ابھی میں کوشش کری تھی لیکن وہ ایک تو بہت زیادہ مسئلہ تھا, دوسرا انہوں نے رپورٹ دی کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا نماز پڑھنے کو جانا ہے, اگر پڑھ نہیں سکتے تو اتنا لمبا سفر کر کے کیسے جاؤں. تو رک گیا میں پھر جورڈن چلا گیا, ابھی حال ہی میں نہیں جورڈن نہیں برافش چلا گیا تھا, میں جورڈن تو خیر نہیں گیا ہوں. تو آپ کو کبھی جانا ہو تو اس مسجد براق کو ضرور دیکھیے گا, تاکہ وہ مسجد براق آپ کو بتائے گی کہ یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا تھا. سواری کو باندھا, باندھنے کے بعد آپ بیت المقدس میں گئے. اب بیت المقدس میں لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا جلسہ کیسے ہوا, دروازے تو بند ہو جاتے تھے. آپ اب میں کیا کروں کہ اتنی لمبی گفتگو آپ کو ایک تھوڑے سے وقت میں کیسے سنا دوں. جب کیسر روم کے اندر گفتگو ہو رہی تھی, بادشاہ کے محل میں گفتگو ہو رہی تھی نبی کے بارے میں, تو بڑی رشوت دی گئی نبی کے ذکر کو چھپانے کے لیے, لیکن ایک پادری بیچ میں بول رہا, کہنے لگا یہ بندہ جو بات کر رہا ہے نا
मुझे कुछ सच लग रही है। कहा हो क्या? कहने लगा कि मैं बैतुल मक्दस के दरवाजे रात को सारे बंद करके सोता था। मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं दरवाजे बंद करूं, मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं सारे दिए बंद करूं। लेकिन जिस रात का ये तस्करा कर रहा है वो कह रहा है कि उन्होंने दावा किया कि मैं जरूसलम में रात में गया था, उस रात जब मैं दरवाजे को बंद करने लगा हूं, छोटे दरवाजे तो मैंने बंद कर लिए, जब मैं मेन गेट बंद करने लगा, आगे मैं बड़ी आसानी से बंद कर लेता था, मगर उस रात वो दरवाजा मुझसे बंद नहीं हुआ, मैं उसको खुला छोड़ के ही चला गया। तू बंद कैसे करता? वो नबी आ रहा है जिसने आके नमाज अदा कर ली है, क्या नमाज पढ़ानी है नबियों को? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, सारे अंबिया पहले से वहां पहुंच चुके थे, सफे बनी कहते हैं तकरीबन 7 सफे थी, वो सफे बनी अंबिया जो आसमानों में है वो भी नीचे आए, और जो अंबिया अपनी अपनी जगहों में है वो भी वहां पहुंचे, सब के सब वहां पहुंचे और सब बावजू हैं। जरा तो नमाज बेवजू नहीं होती, नमाज बावजू, सब बावजू, और पता चला कि अपना वजू करके आए हैं। आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब में खड़े हुए। अब बड़े बड़े अंबिया पहली सब में है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी और रात देने के बाद हुजूर का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, कहा ये इमाम है, इनसे बड़ा इस वक्त कोई नहीं है, अफसर कोई नहीं है, ये नमाज पढ़ाएंगे। सारे अंबिया ने पीछे नमाज अदा की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दस्त की नमाज जो है ये अदा की। आप नमाज पढ़ा रहे हैं तो या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्ला कहते हैं कि पहली में वो पढ़ा, दूसरी में कुल हुवल्ला पढ़ा। नमाज पढ़ाने के बाद पूरा जलसा हुआ जैसे आज हो रहा है, मैं बयान कर रहा हूं तुम सुन रहे हो। मेरे नबी जलवा फरमा हुए, बारी बारी नबी आए, हर नबी ने आके तारीफ की, पहले अल्लाह ताला की तारीफ की, उसके बाद हुजूर की तारीफ की, और सारे कहने लगे आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला आज आपको वो चीज नवाज रहा है जो किसी नबी को नहीं मिली। सबने अपनी अपनी तारीफें कर दी। तारीफें करने के बाद जलसा बर्खास्त हुआ, जलसा मुकम्मल हुआ, मेरे नबी के लिए एक सीढ़ी लाई गई। एक रवायत तफसीले जरीर के इब्ने जरीर ने यह लिखा है कि दूसरी रिवायत यह है कि बुराक आगे लाया गया, बुराक के ऊपर मेरे नबी जलवा फरमा हुए, बुराक में बैठकर जिब्रील साथ साथ पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कौन आना? जिब्राइल। मम्माक आपके साथ कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको बुलाया गया है? जी उनको बुलाया गया है। अच्छा, दरवाजा खुला, आप पहले आसमान पे गए। हजरत आदम अलैहि सलाम जलवा फरमाए यूं बैठे हुए हैं पहले आसमान पे, हुजूर ने सलाम किया, सलाम अलैकुम। अब आप कहोगे कि हुजूर ने सलाम क्यों किया, तो सुन लो सारे लोग, युसल्लिमुर राकिब अलल माशी वल माशी अलल काइ, जो अपनी गाड़ी पे बैठा हो वो पैदल चलने वाले को सलाम करे, और जो पैदल चलने वाला है वो बैठे हुए को सलाम करे। ये सलाम का तरीका है, जब आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, लैक्सिस में जा रहे हो, तो शीशा नीचे करके पैदल चलने वाले को सलाम करो, ये भी वेट करो वो तुम्हें सलाम करे, आकड़ देखो कितनी पैदा होगी। तो अगर तुम अपनी बड़ी गाड़ी में हो तो फिर अगर मौलवी को पैदल चलते हो देखो तो शीशा नीचे करके मौलवी को सलाम करो, ना वेट करो मौलवी मुझे सलाम करे, ना गुनाह है। तू बड़ी गाड़ी में है तू सलाम कर, तेरे अंदर आजिज़ी पैदा हो, देखना करके मुल्ला तुझे सलाम करेगा, चलो वेट करके मौलवी सलाम करे, तो मौलवी जी नहीं होता वो मुंह भर ही कर लेते, बतुरे सलाम करूं मैं तुझे, क्यों सलाम करूं, तू कौन है, मुफक्कर है तू, हदीस है क्या है तू? हाँ मौलवी को समझते हैं बहुत चल रहा है, मौलवी हजारों के लोगों में मजमे में तकलीर करता, तेरी बात नहीं समझ रहा होता। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ मौलवी चैंपियन होता, उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती, वो किताबों में से गुजर के पूरी दुनिया का सफर कर लेता, तू तो बच्चा है उसके सामने, तो मौलवी को कभी नीचे ना ले जाओ, हजारों के मजमे में तकलीर कर रहा था, उसकी हालत पर नजर होती कौन कौन बीच में क्या कर रहा। हाँ अल्लाह ताला का भी उस पर कर्म होता, और ना यहाँ बैठकर बंदे को एक दिन नहीं पता बहुत बोलता, मैंने चल यार नमाज को पढ़ा इन्ना तो इन्ना की दूसरी आयत पे भूल गया, मैं बस इतना सा काम था तेरा, पसीने तेरे छूट गए होंगे, तो मैंने कहा ये राम का कर्म होता है कि वो मोहम्मद मुस्तफा की सीट पे बैठा है। ये अभी मैं बोल रहा हूं ये हमारा कमाल नहीं है, ये मेरे कमाल का कमाल नहीं है, ये उसका कमाल है जो कमाल के आला दर्जे पे फाइज है, ये मेरे मोहम्मद मुस्तफा की नजर है। मुझे अच्छी तरह किताबों से पढ़ा है, अल्लामा इकबाल बड़े टॉप के मुफक्किर थे, गामा पहलवान की अल्लामा इकबाल उसको जलसे करते थे, जो मैंने मानते इस्लाम के गामा पहलवान में माने खुसूसी था, अल्लामा इकबाल ने कहा आप गामा पहलवान तशरीफ लाते हैं और आकर रुस्तम ज़मा आके तकरीर करेंगे, गामा पहलवान से उठने ही नहीं हुआ तकरीर के, पसीने छूट गए, उसके बाद खड़ा हुआ तो सिर्फ इतना ही जुमला निकला, वर्जिश किया करो सेहत के लिए अच्छी होती है, सब भूल गया। हाँ तो इसलिए ये रब का बड़ा करम होता है, और सबसे ज्यादा इज्जत मैं ये सब बंदों को दूंगा, घर में अपनी बीवी की इज्जत करो, क्यों? वो तुम्हारे घर को चमका के रखती है,
और मस्जिदों वालों को कहूंगा सबसे ज्यादा इज्जत मौलवी की करो, उसी की वजह से तुम्हारी बल्ले बल्ले है, घर की बल्ले बल्ले बीवी की वजह से होती है और मस्जिद वालों की बल्ले बल्ले रब की फजल के बाद मौलवी की वजह से होती है, बात याद रखा करो। तो सलाम करो जो गाड़ी में है वो पैदल चलने वाले को करे और पैदल चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, क्यों? गाड़ी वाले में फख्र है कि मेरे पास गाड़ी है, वो पैदल वाले को सलाम करे। तो ये मसला मेरे नबी ने खुद बताया, मेरा नबी बड़ी आलीशान गाड़ी पे है, आदम अलैहि सलाम अब्बा भी हैं, बड़े अबुल बशर ने सलाम किया, आदम अलैहि सलाम ने जवाब दिया, कहा ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ मेरे अफसर बेटे, तुझ पर भी सलाम की हो, तुझे भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरे नबी दूसरे आसमान पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया आपने, वही सवाल वही जवाब, आगे गए तो देखा दूसरे आसमान के ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मेरे नबी ने बताया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाल हैं, मेरे नबी ने उनकी निशानी बता दी उनके बाल, और जब ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद में उतरेंगे, ओए होए होए वाह क्या आपका ड्रेस, क्या पर्सनालिटी, और आपके बालों से यूं लगेगा जैसे पानी के कतरे जो है वो नीचे गिर रहे हैं, दमिश्क की वो मस्जिद अब बनी है, वो लोग कहते हैं नबी को इल्तिजा नहीं है, वो मस्जिद अब बनी है, उसका मीनारा भी बन गया है, और उस मस्जिद के गिर्द मेरी तहकीक ये है कि सारे ईसाई रहते हैं, ईसाईयों ने भी वहां मकान ले लिए हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे इस मीनारे में उतरेंगे। अभी वो मस्जिद बनी नहीं थी, अभी वो इलाका फतह हुआ नहीं था, मेरे नबी ने मदीना में बता दिया था ईसा आएंगे उस जामे मस्जिद में उतरेंगे, फजर की नमाज होगी, इमाम मेहदी नमाज पढ़ाने लगेंगे, बाहर दरवाजे के दज्जाल खड़ा होगा, सारी दुनिया की गवर्नमेंट उन चंद बंदों के खिलाफ होगी, जीसस जब उतरेंगे तो नमाज पीछे पड़ेंगे, दरवाजा खुलवा देंगे, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं नीचे उतरेंगे और यूं बाल आपके खूबसूरत, बड़ा प्यारा चेहरा, नबी होते ही खूबसूरत है, या मिर्जा कादियानी कहां पता नहीं कहां से हो गया, वरना नबी कभी इस तरह का नहीं होता, तो ये तो है ही नहीं है, तो नबी खूबसूरत और हसीन, हजरत यूसुफ अलैहि हजरत ईसा अलैहि सलाम हजरत यहया अलैहि सलाम तीसरे आसमान पे मेरे नबी पहुंचा, तीसरे आसमान को खटखटाया गया, जवाब वही कौन, जिब्रील साथ कौन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए गए, हम बुलाए गए, दरवाजा खुला, मेरे नबी तीसरे आसमान पे पहुंचे, तीसरे आसमान हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से उन्होंने वेलकम कहा, आप चौथे आसमान पे पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने वेलकम कहा, पांचवे आसमान पे पहुंचे, हजरत हारून अलैहि सलाम ने वेलकम कहा आपको, आप छठे आसमान पे पहुंचे, आपको हजरत मूसा अलैहि सलाम ने वेलकम कहा, मूसा अलैहि सलाम रो पड़े आपको देखकर, हजरत मूसा वो नबी है जिसका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा, छठे आसमान पर आप देखकर रो पड़े, या मूसा अलैहि सलाम क्यों रोए, अल्लाह से कहने लगे या अल्लाह ये मेरे बाद आए और यंग, टू यंग मेरे बाद आए और सबसे ज्यादा इनकी उम्मत जन्नत में जाएगी, क्या बात है, सबसे ज्यादा तो क़यामत के दिन अगर क्या यकीनन आप देखोगे, एक नबी जा रहा है उसके साथ सिर्फ एक बंदा, एक नबी के साथ टोटल एक बंदा, तो नबी जन्नत में जाएगा वो एक बंदा जन्नत में जाएगा, बाकी उसकी पूरी उम्मत उस में, एक नबी जा रहा है उसके साथ सिर्फ दो बंदे, एक नबी जा रहा है उसके साथ तीन बंदे, एक नबी जा रहा है उसके साथ टोटल नौ बंदे, एक नबी जा रहा है उसके साथ चालीस बंदे, यानी नबियों के साथ भी दस बारह बीस बंदे, मेरे मोहम्मद मुस्तफा जब चलेंगे तो सबकी सफ ही जा रही है, मेरे नबी का सदका सबसे ज्यादा उम्मत, इसलिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठे आसमान पर मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात की, और अभी देख लो मूसा अलैहि सलाम कब्र में थे, जब बैतुल मक़द्दस में पहुंचे तो आगे सफ में खड़े नमाज पढ़ रहे थे, और जब मेरे नबी छठे आसमान पर पहुंचे तो मूसा आगे खड़े थे, तो ये मूसा इतनी तेज रफ्तारी से काहे को किस तरह सफर कर रहे, तो सुन लो मेरे नबी जा रहे थे बिजली की रफ्तार से और मूसा जा रहे थे नबूवत की रफ्तार से, तो दुनिया में तेज रफ्तार बिजली की नहीं है, नबूवत की रफ्तार है, तो ये पहले जहां जाते हैं सरकार से पहले वहां लोग बात को समेटने लगा, मैंने सिर्फ वलीउद्दीन साहब की वजह से लंबा कर दिया, वरना मैं 10-10 पे खत्म कर देता, बात अब किसी जगह पहुंचा लो, मेरे नबी छठे सातवें आसमान पर पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम जैसे भी आप देख रहे हो मुझे, लेकिन मैंने तो दीवार के साथ टेक लगाई है ना, वो बैतुल मामूर की दीवार के साथ टेक लगा के यूं बैठे हुए, बैतुल मामूर किसे कहते हैं, जैसे खाना काबा है जमीन के ऊपर नमाज पढ़ने के लिए खाना काबा है, आसमानों में नमाज पढ़ने के लिए बैतुल मामूर है, तो बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ते रोजाना जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो फिर कयामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आती कि वो तवाफ कर सके, कितने खुश नसीब हो जब दिल करता है तो वीजा लेते हो टिकट लेते हो और जाके तवाफ करने चले जाते हो, ये सदका है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो यूं टेक लगा के बैठे हैं, आप मिले उनसे, मिलने के बाद अभी आप बुराक से नीचे नहीं उतरे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल जन्नत में चलिए, ये याद रख लीजिए, तो मैं बताता हूं, जन्नत में गए, जन्नत की सैर की,
जन्नत में देखा, फरमाते हैं कि मैंने दीवारों को देखा जो मोतियों की बनी हुई है, दीवारें मोतियों की, यहां तो बड़े प्रॉब्लम है, मोतियों की दीवारें बनी है, और मैंने देखा आगे कि उसकी जो जमीन है वो मस्क की बनी, मस्क बहुत महंगी मिलती है, आपके जितने परफ्यूम्स हैं उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो मस्क होता है। मस्क क्या है? ये गंदी मैल है जो अल्लाह ताला हिरन के अंदर पैदा फरमा देता है, वो मैल आपके तमाम परफ्यूम्स के अंदर डलती है, तो वो डाली उसकी अल्लाह ताला ने जमीन बनाई। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, आगे जब बढ़े तो अब अगला जुमला जरा सुनने वाला है। हुजूर फरमाते हैं, बिलाल जब मैं जन्नत में गया ना तो मैंने तेरे जूतों की आवाज अपने आगे सुनी, मैंने तेरे जूतों की आवाज अपने आगे सुनी। अब यहां मैं रुकवा दूं तुम्हें तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। मेरा नबी जन्नत में, बिलाल दुनिया में, वो यहां चले, मेरा नबी आवाज सुन रहा है जन्नत में बैठकर। तो जो नबी जन्नत में हो, बिलाल जमीन पे हो, उनके जूतों की आवाज जन्नत में सुन सकता है। तो वो नबी जब तुम यहां सलात व सलाम पढ़ो तो मदीने में हो तो तुम्हारे सलात व सलाम को भी सुन सकता है। खैर इसमें गुफ्तगू फिर होगी। मेरे नबी ने कहा कि मैंने सुनी। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत उमर का महल, हुजूर ने देखा अबू बकर सिद्दीक का महल, हुजूर ने देखी हमारी, हमारे भी महल देखे। तो अपनी उम्मत के महलों को, मेरा है ना कि मेरा नबी ये ही वहां होगा, देखूंगा ये महल, ये महल, ये किसके, अल्लाह पर। और फरमाने लगे उमर मैं तेरे महल में दाखिल होने लगा, मुझे हया आ गई। अरे भाई मेरा नबी बगैर इजाजत किसी के घर में नहीं घुसरा। तो फरमाने लगे मैं नहीं जा रहा, मुझे हया आ गई। हजरत उमर रोने लग गए, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया तेरे जूतों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी। एक किताब वाले ने लिखा जब हुजूर जन्नत का मुआयना करके चलने लगे तो हुरों की सरदार आगे आगे रुक गई। या रसूल अल्लाह सबको नवाज रहे हो, मुझे भी कुछ अता फरमाओ। आपने सोच के फरमाया तुझे अपने हुस्न पे बड़ा नाज है, अगर तेरे दुपट्टे का कोई एक पल्लू अगर दुनिया वाले देख ले तो सारी दुनिया मरते दम तक दीवानी हो जाए, होशो आवाज खो बैठे। तुझे अपने हुस्न पे नाज है, जा हम तुम्हें अपना बिलाल अता करते हैं। उनको पता है वो इतनी हसीन, तो हजरत बिलाल का रंग काला, नाक चपटी, आपको पता ही जैसे अफ्रीका के लोग होते हैं, जरा थोड़ी सी चुप कर गई। माँ इतनी खूबसूरत और हजरत बिलाल ये लिखने वाले लिखते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया सोच क्या रही हो। पहली बात तो यह है कि जन्नत में जितने जाएंगे ना लोग, आप जितने बूढ़े, बूढ़ा बंदा तो जन्नत में जाएगा ही, बूढ़ों का क्या काम, यहाँ हम उनकी बातें सुन के बड़े आतंकी होते हैं जन्नत में फिर बूढ़े चले जाए। नहीं ऐसा नहीं है, ये मैं बात वैसे तो हम उन्हें तबाह के लिए कर रहा हूँ। हुजूर ने भी फरमाया था कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, वो बेचारी परेशान हो गई। आपने फरमाया बूढ़ा कोई जाएगा नहीं, जो भी जाएगा 33 साल का जवान हो। ये जितने बूढ़े हैं ना, जो बूढ़े लोग हैं हमारे अब्बा हमारी अम्मी, ये बूढ़े लोग ये जब जन्नत कब्र से उठेंगे तो 33 साल के यंग होंगे। असल 33 साल में आदमी फुल जवान होता है, उसकी हड्डी भी पकी होती है, उसका जिस्म और सारी चीज। 33 साल के जवान मर्द और औरतें, कोई छोटा कोई बड़ा, ये सारे यही है 33 साल के जवान, तू जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। हम अपने अब्बे का एहतराम वहां भी करेंगे, ये मुसलमान का एजाज है कि बच्चा जन्नत में भी लड़ेगा। ऐ अल्लाह मेरे अब्बे को भी भेज, मेरी अम्मी को भी भेज, मेरे अब्बे को भी भेज, मेरी अम्मी को भी भेज, ये मुसलमान का एजाज है। हम अपना मदर डे एक दिन नहीं मनाते, हम तो मदर डे जाके जन्नत में भी मनाएंगे, लेकिन तुम जन्नत में नहीं होगे, हम वहां भी। वो कैसे मदर डे? मेरे नबी ने फरमाया जिसका बच्चा दूध पीता फोत हो गया, बदाइश में ही फोत हो गया, मफहूम ही है, जन्नत में जब जाएगा अल्लाह उसको जन्नत में भेजेगा। तो जन्नत में जब जाएगा तो रब से लड़ेगा, यानी झगड़ा कर, दादा मेरी अम्मी को भी जन्नत में भेजो, मेरे अब्बे को भी भेजो, मेरी अम्मी को भी भेजो, मेरे अब्बू को भी भेजो। तो अल्लाह फरमाएगा जा झगड़ा दू बच्चे, अपने नाड़ू से बांध कर अपनी माँ और बाप को जन्नत में ले जा। हम तो वहां भी अपनी अम्मी अब्बू की कदर करेंगे। तू एक दिन लेके बैठा हुआ मदर डे और माँ को 100 रुपया देके बाद में सारा साल पूछता ही नहीं है। नहीं, हमें अपनी माँ की फिक्र हर वक्त रहती है। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं रोटी भी खाने लगता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, मैं रोटी भी खाने लगता हूँ, मुझे मेरी माँ याद आती है कि मैं ये उसको कुछ देता खुद खाता, लेकिन मजबूरी है। हर वक्त हमें अपनी माँ याद रहती है, हर वक्त हमें अपना बाप याद रहता है। आज भी जब मुझे बाप याद आता मैं रो पड़ता हूँ कि मैं, मेरे बाप दुनिया से चले गए, हर दिन अपना बाप और माँ याद रहती है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से निकले, उसके बाद आप दोजख का मुआयना किया, आपने दोजख देखी कि कितनी भयंकर है, उसका एक शोला अगर जमीन पे गिर जाए, ये एक इतना सा,
पूरी 25,000 मुरब्बा मील जो जमीन है ना, सारी की सारी पे सब्जा चढ़ जाए, एक गिर जाए। अब खुद सोचो कि अगर हम उसके दिन ट्रांजिट वीजा लग गया, ट्रांजिट वीजा समझते हो मुसलमान परमानेंट दोजख में नहीं जाएगा। हाँ ये हो सकता है इसका ट्रांजिट वीजा लग जाए, कुछ देर स्टे करे फिर जन्नत में जाए। इतना सा अगर एक नीचे आ जाए अंगारा, 25,000 मुरब्बा मील का सब्जा चल जाए, तो जिसका ट्रांजिट वीजा लग गया एक घंटे का भी, अब तुम सोचो कि दोजख में हाल क्या हो। इसलिए अभी से रोना शुरू कर दो, खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बुराक से उतर गए, क्योंकि बुराक आगे जा नहीं सकता, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। कुरान मजीद ये कहता है कि सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। सिदरा कहते हैं बेरी के दरख्त को, इंग्लिश में इसको लोट के बोलते हैं। तो ये इस तरह के करीब पहुंचे तो फरमाते हैं कि मैंने इसके फल देखे, बेर बेर देखे वो मटकों जितने, और इसके पत्ते देखे वो हाथी के कान के बराबर, और हर पत्ते के ऊपर एक एक फरिश्ता देखा, बल्कि एक पत्ते पर कई कई फरिश्ते देखे, और हर फरिश्ता कह रहा था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये है सुभान अल्लाह। हर फरिश्ता बोल रहा था वो सुभान अल्लाह, मेरे नबी को देख के कह रहे थे। ये फरिश्ते बेरी के दरख्त पर क्यों आ गए थे? इसलिए कि बेरी का दरख्त जो है नीचे वाले वहां से आगे नहीं जा सकते, और ऊपर वाले यहां से नीचे नहीं आ सकते, ये बाउंड्री है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की एंड भी ये है। यहां पहुंचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह बस अब मैं आगे नहीं जा सकता, आप खुद ही चले जाइए, मेरा जाना बंद, मैं आगे जाऊंगा तो नूर मेरे परों को जला के रख देगा। तो मेरे नबी ने फरमाया अच्छा, हुजूर आगे बढ़े। आप फिर सफर करते गए करते गए, रफ रफ में बैठ के करते गए सफर, नूरी नूर नूरी नूर नूरी नूर नूरी नूर, हिजाब उठते गए हिजाब, 70,000 पर्दे उठे, 70,000 पर्दे उधर से उठे। अब वहां गुफ्तगू हुई, अल्लाह से हमने पूछा कि क्या गुफ्तगू हुई? तो 27वें पारे में, आज 27वीं रात है, तो 27वीं पारे में 27वीं रात का वाकया बयान कर दिया कि ताकि 27वें पारे में जब भी कभी कोई इसे पढ़े तो 27वीं रात याद आ जाए। 27वीं रात का वाकया 27वें पारे में, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा अल्लामहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, फकान काबा कौसैन वदना, वो इतना करीब हो गया जैसे दो कमानों का फासला, फाउहा इला अब्दी माउहा, उसने अपने बंदे को वही की जो की बताई नहीं, जो की था तुम्हें क्या लगे, जो की जो का धर्म और जो बोला भाई तुम्हें क्या, तो अल्लाह ने जो पता नहीं क्या क्या बातें होती रही। और जब मेरे नबी हिजाबात उठे तो सामने गुफ्तगू का आगाज करते हैं, तो सबसे बोले पहले बोला तहियातु लिल्लाह बस सलावातो व तैयबातो, आगे से रब कहने लगा सलाम अलैका अय्युहन नबी हो या नबी सलाम अलैका, ऐ नबी तुझ पर सलाम हो। अल्लाह ऊपर ने उस मकाम पे भी उम्मत को याद रखा, कहा सिर्फ या अल्लाह मुझ पे नहीं, अस्सलामु अलैना हम सब पर सलाम हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये नमाज में जुमले तुम दोहराते हो। गुफ्तगू हुई तो देखो हमारे नबी को हमसे कितना प्यार है, कहने लगे या अल्लाह चलता हूँ, तो अल्लाह ने फरमाया जाइए फिर अपनी उम्मत के लिए तोहफा ले जाइए। अल्लाह ने 50 नमाजें दे दी, आप तजल्ली में इतने गुम थे कि 50 की 50 लेकर वापस आ गए। अब 50 नमाजें लेकर आ रहे हैं, आगे से मूसा अलैहिस्सलाम फिर मिल गए, कहने लगे मा फरादा रब्बुक, आपके रब ने क्या फर्ज किया? कहने लगे 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे दुआई खुदा की ये तो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, जाओ ये इला रब्बिक फसलु तखफीफ, वापिस जाओ और नमाजें कम करवा के लाओ। ये वापिस जाना बता रहा है कि किसी मकाम पे थे फिर वापिस गए, या अल्लाह नमाजें कम कर दो मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी ज्यादा है, जाओ महबूब 5 कम करते हैं। लोग वापिस आए, कितनी हुई? 5 कम हुई, नहीं 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 वापिस जाओ फिर कम करवाओ। ये मैं बुखारी और मुस्लिम मिश्कात पढ़ रहा हूं, बुखारी पढ़ने वालों खुदा का वास्ता इस हदीस को भी पढ़ो। बुखारी में 10 नमाजें हर चक्कर में और मिश्कात शरीफ में 5 नमाजें हर चक्कर में, अब जरा सुन लो। अब पता नहीं बुखारी पढ़ने वाले ये देखो किसको कहता हूं मैं, चोरी, ये चोरी है और धोखाबाजी है कि आज आप देख लो कोई बंदा मिराज बयान नहीं कर रहा होगा, क्यों? क्या बुखारी में नहीं है? बुखारी में है। क्या कुरान में नहीं है? कुरान में है। ये मैं भी तुम्हारे सामने कुरान बोला, ये कुरान में 19 आयात में मेरा गया है, क्यों नहीं मुल्ला बयान कर रहा? मस्जिद बंद करके क्यों चला गया है? बुखारी में हदीस है तो क्यों नहीं बयान कर रहा? तो समझ जाओ हर एक का अपना कुरान है, हर एक की अपनी हदीस है, उसने हदीसें अपनी बना ली हैं, कुरान की आयत अपनी बना ली, बस उसी की बार बार लगा, ना पूरे कुरान की तबलीग कर रहा ना पूरी हदीस की कर रहा। ये समझाओ अपने बच्चों को, ये याद रखो ईमान बचाओ, यही मेराज बताता है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तमाम नबियों से अफजल है। अब देखिए गए बाप, या अल्लाह
कम कर दो, लाओ नबी पांच कम की। लोग अल्लाह को नहीं पता कि पांच रह जानी है। पहली दफा ये जाओ महबूब तुम पांच नमाजें ले जाओ और उम्मत से कहना कि पढ़ दे पांच 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 पांच, नौ चक्कर लगवाए, नौ चक्कर मूसा और रब के बीच में लगे, पांच नाया पैंतालीस, पैंतालीस नमाजें नौ चक्करों में कम हुई, पांच रह गई। मूसा पूछे कितनी कम रह गई है, मूसा पांच बाकी रह गई है। मूसा कहने लगे ये नहीं पड़ेगी, चल एक चक्कर और लगा। अब मेरे नबी रुक गए, हदीस के आखिरी लाइन है, हुजूर कहने लगे मुझे हया आती है अल्लाह से, अल्लाह कहेगा तेरी उम्र पांच भी नहीं पढ़ सकती। तो मैं अब नबी वापस नहीं गए, तो यहां बता दूं रब को भी पता है कि पांच रह जानी है, तो रब ने पहली दफा ही पांच क्यों नहीं दी, पचास क्यों दी? इसलिए कि वो बताना चाहता है कि देखो मेरा नबी जितनी बार भी मेरे पास आए मैं कभी उसको खाली नहीं छोड़ता। और एक ये था, मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों रब ने बुलाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास ही है, सातवें आसमान में है, सातवें आसमान के पास सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नत, और उससे आगे रफ रफ सब क्रॉस करो तो आगे, तो ये पास वाले नबी उठाए, ये छठे आसमान से नबी को बुलाया, क्योंकि मूसा छठे थे, छठे को बुलाया, सातवें को छोड़ दिया, नीचे वाले को बुलाया, पास वाले को छोड़ दिया। अगर इब्राहिम आ जाते तो तुम पूरे को पचास ही पढ़नी पड़नी थी, क्योंकि इब्राहिम आगे से बात को नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम की आदत है या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह वो कर दे, या अल्लाह ये, मूसा लंबी चौड़ी छेड़ देते हैं। अल्लाह एक बात कहता है मूसा लंबी छोड़ दी, अल्लाह ने फरमाया मूसा जा मैंने तुझे रसूल बनाया, नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं मेरी जुबान की गिरा खोल, मेरा सीना खोल, मैं तकलीफ करूं तो फ्रीक्वेंटली मैं बोलता चला जाऊं, जुबान ना अड़े, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, एक वजीर भेज और वजीर भी जो है वो मेरी फैमिली का हो, और मेरी फैमिली में से कोई नहीं मेरा भाई हारून सगा भाई होना चाहिए, तो उधर ही शुरू हो गया। चाहे तो कहा मूसा को बुलाया, लाओ मूसा अलैहिस्सलाम आए, कितनी नमाजें? मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से तुम्हारी नमाजें 45 कम हुई। और आज के बाद याद रख लो, जो तुम्हें बता के नबी मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता, उसको कहना बुखारी में ये लिखा है कि नमाजें 50 थी, पांच रह गई, किसने कम करवाई थी? अब या तो चुप करके निकल जाएगा आई डोंट केयर, या फिर मानेगा कि मूसा ने कम करवाई। तो कहा अगर मूसा कब्र से उठ के मदद कर सकता है तो मोहम्मद मुस्तफा क्यों नहीं कर सकते? और ये बुखारी में ना हो तो मैं मुझे, और अगर बुखारी में है तो फिर मान यार तू फिर कौन सी बुखारी पढ़ता, क्यों दे रहा बच्चों को धोखा, बड़े प्रोजेक्ट पे छोटी बातें क्यों कर रहा तू, तो फिर बुरी बुखारी पढ़। तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र से उठकर गए और तेरी 50 नमाजों में से 45 कम करी। अब सवाल ये था कि या अल्लाह तूने पांच क्यों रखी? कहा हम अपने आप को भी नहीं बदलेंगे और नबी की बात को भी नहीं बदलेंगे। नबी ने बार बार आके कहा हमने पांच रख दी, और हमारे यहां मयार ये है कि मन जा बिल हसना फलहु अश्र अमसालिहा, जो एक नेकी लाए हम उसको 10 बदले में देते हैं तो 10 बढ़ा कर देते हैं। हमने 50 की थी, नबी की वजह से 5 कर दी, 5 इसलिए रखी कि ये पढ़ेंगे 5 सवाब 50 का अदा करूंगा। अल्लाह हु अकबर जल्ला शान, क्योंकि 10 है, आप 10 को मिलाते जाओ 5 के साथ, 50 बन गई कि नहीं? तो रब ने अपना भी असूल नहीं तोड़ा और नबी का रुख भी नहीं मोड़ा। आए महबूब हम तेरी अदा को मानते हो, तेरी बात को तस्लीम करते जाओ। अब ये 5 नमाजें बस बात खत्म होगी मेरी। आपके पास आज की रात का बहुत बड़ा तोहफा है मेरे नबी। तोहफा केले ला सकते थे, जन्नत में केले होते हैं। एक दफा पूरे कुरान में बनाना का केले का जिक्र आया, जो आप लोग खाते हो ना केला, केले का जिक्र एक मरतबा पूरे कुरान में, जन्नत में केला है, जन्नत में अनार है, जन्नत में सेब हैं, जन्नत में अंगूर हैं, जन्नत में खजूरें हैं, जन्नत में ओलिव है, जन्नत में सारी चीजें हैं। मेरे हुजूर आते तो वापसी में, जैसे आप लोग जाते हो किसी मुल्क में, आप लोग जाते हो तो वापसी भी अपने बच्चों के लिए चीजें ले आते हो, चलो बेटे के लिए चॉकलेट ले चले, चलो स्विट्जरलैंड उतरे हैं, स्विट्जरलैंड का चॉकलेट जरा अच्छा होता, चलो बच्चों के लिए चॉकलेट ले जाए। मेरा नबी जन्नत से चॉकलेट ले आता, मेरा नबी जन्नत से फ्रूट ले आता, मेरा नबी जन्नत से अंगूर ले आता। लेकिन सुनो, अगर मेरा नबी अंगूर लेकर आता तो सीधा मक्के आता, तो अंगूर खाते तो मक्के वाले खाते, अंगूर खाते तो मदीने वाले खाते। अमेरिका वालों का क्या बनता, पाकिस्तान वालों का क्या बनता, गरीब इंडिया वालों का क्या बनता, बांग्लादेश वालों का क्या बनता, पाकिस्तान के गरीब लोगों का क्या बनता? रब ने कहा महबूब चॉकलेट नहीं, केले नहीं, सेब नहीं, अंगूर नहीं, तुझे वो चीज देते हैं। गरीब से गरीब भी चाहेगा तो वजू करके खड़ा होगा, ये तोहफा उसे भी मिल जाएगा। तो आप ये तुम्हारे लिए तोहफा आ गया है, इसलिए अब इस तोहफे को छोड़ना नहीं। 5 वक्त नमाज अदा करो, जितना टाइम नमाज का है वो अल्लाह तुमसे ले लेता है, चाहे तुम किसी और जगह लगाओ या नमाज में लगाओ। तो नमाज में लगाओगे तो तुम्हारी हिफाजत रहेगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे वफादार रहेंगे, तुम्हारे गुनाह साफ रहेंगे, पाक साफ हो जाओगे, रूह तुम्हारी साफ हो जाएगी और अल्लाह ताला का तुम्हें कुर्ब मिलेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे, आप फरमाते हैं कि अभी रात की तरीकी थी, मैं वापस जमीन पर आ गया,
वापिस जब आया तो हुजूर आकर सो गए। 3 घंटे या 4 घंटे सुबह होने में भी बाकी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं बैठे हुए हैं, करीब से अबू जहल गुजरा और अबू जहल कहने लगा, ऐ मोहम्मद आज कोई नई बात नहीं बतानी? आपने फरमाया नई बात, चल सुन, मैं रात को बैतुल मक़दस में गया था। लो जी तो सर बता दो, पक्का? हाँ पक्का, क्योंकि बैतुल मक़दस 21 दिन का सफर है, 21 दिन लगते हैं मक्के से, या एक ने बोला 40 दिन पैदल, 21 दिन का सफर, पक्का? मैंने पक्का। कहने लगा पक्का, हमें पक्का। गया सीधा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, क्या लगा हुआ अगर कोई बंदा बोले मैं रात को गया था जरूसलम में और वापस भी आ गया तो मान लेगा? आपने फरमाया अगर कोई के तो नहीं मानूंगा। कहा फिर वही कह रहा है जिसका तू कलमा पढ़ते हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, लगे अगर वो कह रहा है तो सच कह रहा है, अगर वो कह रहा है तो सच कह रहा है। सारे इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हुए। अच्छा भाई बैतुल मक़दस कहाँ है आप? क्योंकि वो गए हुए थे बैतुल मक़दस, उसके कितने दरवाजे कितनी बारियां? हजूर फरमाते हैं मैं जरा थोड़ा सा हिचकिचाया क्योंकि मैं वहां बारियां गिनने तो नहीं गया था, दरवाजे गिनने तो नहीं गया था मैं, लेकिन फरमाते हैं कि मैंने यूं सर झुकाया तो रब ताला ने बैतुल मक़दस उठाकर मेरी नजरों के सामने रखा। अब यहाँ एक जुमला कह दूं, आसफ इब्ने बरकिया पलक झपकते हुए तख्त लेकर आए थे। ये तख्त आते रहते हैं, ये तख्त आते रहते हैं, पाकिस्तान से उधर चला जाए, उधर से उधर चला जाए, उधर से इधर, अफगानिस्तान से वहां चला जाए, तख्त आते रहते हैं, लेकिन बिल्डिंगें पूरी की पूरी नहीं आती। मेरे नबी का कमाल देखो कि मेरे नबी का मुजजा कि बिल्डिंग उठाकर मेरे नबी की नजरों के सामने रखती। क्यों? इसलिए, आखिरी जुमला, इसलिए कि मेरी नजर हटे तो चीज में फर्क नहीं आएगा, नबी की नजर हटे तो नजर नहीं हटती, चीज जगह से हट जाती है। कहा बैतुल मक़दस उठा के नबी की नजरों के सामने रख दो, क्योंकि नबी ने अगर कुछ बोल दिया तो मैं नबी की जुबान को नहीं हटाऊंगा, मैं चीज को हटा दूंगा। तो बैतुल मक़दस उठा के रख दिया, मेरे नबी बताते गए, फिर भी जिन्होंने मानना था माना, जिन्होंने नहीं मानना था नहीं माना। 19 आयात के अंदर इस वाक़े को बयान किया गया, अल्लाह नबी की अजमत का सदका इनको भी बुलंदी अता फरमा, जो पढ़ रहा है उसको बुलंदी अता फरमा, जो कारोबार कर रहा है उसे बुलंदी अता फरमा, जो या अल्लाह ताला बिजनेस में है उसमें बुलंदी अता फरमा, जो जिसको सेहत दी है उसे बुलंदी अता फरमा, मेराज का सदका या अल्लाह सबको बुलंदी अता फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल मोहम्मदी वाली वसाबी जमीन।